को दिखता नहीं पैसा कितने आती है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं और शेर अकेले। हो चुकी है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग। राधे यानी कि सलमान खान किन किन फिल्मों से धमाल मचाने वाले हैं और उनकी टाइगर 3 किस बड़े खान की फिल्म से टकराने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, जब से लॉकडाउन में ढील दी गई है तब से कई फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू की गई है। कई फिल्मों ने अपनी शूटिंग शेड्यूल को निपटाने के लिए सेट पर वापसी कर ली। उनमें से सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का नाम भी आता है। सलमान खान और टीम ने अक्टूबर के दूसरे दिन इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग की थी और अब जाके पूरा शूटिंग शेड्यूल खत्म कर दिया गया है। सलमान खान फिल्म्स के आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है और पोस्ट करते हुए शूटिंग खत्म होने की घोषणा की गई है। सलमान खान फिल्म्स ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एंड इट्स रैप अप हैशटैग राधे, यानी कि रैप अप हो चुका है राधे का। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान, दिशा पाटनी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा भी अहम किरदारों में नजर आएंगे और रणदीप हुड्डा और सलमान खान का जो क्लाइमेक्स वाला सीन है उसमें इनकी जोरदार फाइटिंग दिखाई गई है और इसी सीन को लेकर 7 करोड़ का खर्चा किया गया है क्योंकि इसमें की क्रोमा टेक्निक का यूज किया गया है और काफी चीजें हैं। वहीं फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं प्रभु देवा और सुहेल खान और अतुल अग्निहोत्री ने मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। आपको बता दें सलमान खान ने अपनी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग तय वक्त से पहले ख़त्म कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के आखिरी तक चलनी थी लेकिन सलमान खान की टीम ने इसे तय समय से पहले पूरा कर लिया और इसकी वजह ये बताई गई है कि इन लोगों ने 3 अलग अलग लोकेशन में एक साथ शूट किया, इसी वजह से इनका काम भी बच गया और कोरोना की वजह से छोटी छोटी टीम इन्होंने बना ली थी जो कि कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन कर रही थी। आपको बता दें इस फिल्म को रिलीज़ किया जाना है अब 12 मई यानी कि अगले साल ईद के मौके पर और उसी टाइम पर आ रही है जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 2, यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि जॉन अब्राहम और सलमान खान की फिल्मों का क्लैश होगा। वैसे आपको क्या लगता है कौन आगे जाएगी ये ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ सिर्फ यही फिल्म नहीं, टाइगर की टाइगर 3 भी आने वाली है जो कि उसकी शूटिंग वो फरवरी से शुरू कर लेंगे और फिर जाकर रैप अप जब भी इसका होगा और क्रिसमस 2021 को टारगेट किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं क्रिसमस किसकी होती है, आमिर खान की। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी अपना स्केड्यूल कंप्लीट कर दिया है लाल सिंह चड्ढा का और लाल सिंह चड्ढा भी क्रिसमस पर आ रही है, ये तो कंफर्म है। और टाइगर 3 के जो मेकर्स हैं उन्होंने भी उसी टाइम को डिसाइड किया है, यानी कि आपको 2 बड़े खानों का क्लैश देखने को मिल सकता है क्रिसमस 2021 में। तो आपको क्या लगता है दोनों खानों में यानी कि आमिर और सलमान में कौन आगे जाएगा ये ज़रूर बताइएगा। और राधे योर मोस्ट वांटेड भाई फिल्म का कितना इंतज़ार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।